आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि द ड्राइंग गिवन बिलो शोज दैट सिस 1 टू डाइक्लोरहेक्सेन इज कायरल, राइट। एफर्ट्स टू रिजॉल्व इन द कंपाउंड फेल, व्हाई, राइट। पहले हम देखते हैं कि कायरल कैसे है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के जो है मिरर इमेजेस हैं, राइट। लेकिन मिरर इमेज होने के बावजूद ही एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम एनेंशियोमर्स कहते हैं। मतलब ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कायरल कहते हैं, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। तो हाँ, ये डायग्राम में बता रहा है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट क्या बताया गया कि एफर्ट टू रिजॉल्व इन द कंपाउंड फेल। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? रिजॉल्व का मतलब होता है सेपरेट टू एनेंशियोमर्स फ्रॉम अ मिक्सचर। मतलब अगर हमने इन दोनों कंपाउंड, एक को ए कह दिया और दूसरे को बी कह दिया, और ए और बी का हमें एक मिक्सचर मिल गया, तो उनसे हमें ए को और बी को अलग करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हमें कायरल रिएजेंट ऐड करते हैं, राइट। जैसे अगर ए एंड बी हमारे दो मिरर इमेजेस हैं, तो अगर हम मान लेते हैं ए का कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो बी का क्या होगा? एस होगा, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो इसमें अगर हम एक आर का रिएजेंट देते हैं जो इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें क्या मिलेगा? बेसिकली हमें यहाँ पे आर और आर मिलेगा, और यहाँ पे एस और आर मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, तो ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होंगे, राइट। अब डायस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जिससे हमें इन्हें इजी टू सेपरेट, इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इजी टू सेपरेट, ठीक है। तो फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। लेकिन इस मॉलिक्यूल के केस में हम रिजॉल्व नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमारे यहाँ पे जो दो स्ट्रक्चर्स गिवन हैं, एक है हमारा कुछ ऐसा और दूसरा है हमारा कुछ ऐसा, ये एक दूसरे के अंदर बहुत रैपिडली इंटरकन्वर्ट करते हैं, राइट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिंग फ्लिपिंग कहते हैं हम इस प्रोसेस को, राइट। ये बहुत रैपिडली होता है, जिस वजह से ये बहुत रैपिडली होने की वजह से दे फॉर्म अ रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। ये मतलब अगर ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म से, अगर ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है, अगर ये दोनों फॉर्म रैपिडली इंटरकन्वर्ट करते रहे, तो हम इन दोनों को ऑब्वियसली सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रिएजेंट होगा हमारा किसी भी फॉर्म के साथ ठीक से अटैच नहीं कर पाएगा, जिस वजह से देयरफॉर वी कैनॉट रिजॉल्व देम इजीली, ठीक है। बहुत लो टेम्परेचर्स पे हमें करना पड़ेगा, राइट। तो हमारा ऑप्शन जो मैच करेगा वो है ऑप्शन थ्री, द चेयर कन्फर्म्स रैपिडली इंटरकन्वर्ट प्रोड्यूसिंग अ रेसमिक मिक्सचर, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, दिस सिस ट्रांस आइसोमरिज्म रैपिडली इंटरकन्वर्ट, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि सिस एंड ट्रांस ये नहीं है, दोनों ही ये सिस है। क्यों? जैसे हम देख सकते हैं कि दोनों क्लोरीन अबव द प्लेन है, तो ऑब्वियसली दोनों स्ट्रक्चर ही सिस है, तो सिस एंड ट्रांस तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, द कंपाउंड इज एक्चुअली अ मेसो स्ट्रक्चर। मेसो का मतलब क्या होता है? कि इसके अंदर एक
प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है उन्हें मेसो कहते हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं इस कंपाउंड में कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये मेसो नहीं है, तो ऑप्शन टू भी गलत है। ऑप्शन फोर है, मेथड फॉर रिजॉल्विंग एल्काइल क्लोराइड्स आर नॉट अवेलेबल। ऐसा ये मेथड, ये भी रॉन्ग है। हम नॉर्मली एल्काइल क्लोराइड्स को बहुत आसानी से रिजॉल्व कर पाते हैं, जैसे अगर हम सिल्वर सॉल्ट या वैसे कोई चीज़ें यूज़ करें जो क्लोराइड के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है, जैसे बेरियम के सॉल्ट्स वगैरह। तो ऑप्शन फोर भी गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।